मित्रों, आज हम टू फ्रेंड्स एंड द बियर इस कहानी को समझेंगे। टू फ्रेंड्स वेयर ट्रेवलिंग टूगेदर थ्रू अ वुड। दो दोस्त एक साथ जंगल से जा रहे थे। व्हेन सडनली सडनली ने यह कहा, व्हेन सडनली दे केम अक्रॉस अ बियर। यकायक एक रीछ उनके रास्ते में आ गया। द बियर, बियर यानी रीछ, द बियर सॉ द ट्रेवलर्स एंड रूश आउट अपॉन देम। रीछ ने उन मुसाफिरों को देखा और उन पर हमला कर दिया। रूश आउट यानी हमला करना। वन ऑफ द ट्रेवलर वॉज अ गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज। एक मुसाफिर दरख्तों पर चढ़ने में माहिर था। विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड ही कॉल्ड होल्ड ऑफ द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री एंड हाइड हिम सेल्फ अमंग द लीव्स। अपने दोस्त की परवाह किए बगैर उसने करीब के एक दरख्त की शाख पकड़ी और उसके पत्तों में छुप गया। डिड नॉट नो व्हाट टू डू। दूसरे मुसाफिर की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। ही हैड हियर्ड दैट बियर्स डू नॉट बोदर विथ डेड एनिमल। उसने सुना था कि रीछ मुर्दा जानवरों को खातिर में नहीं लाते। बोदर यानी खातिर में लाना। सो ही थ्रू हिमसेल्फ फ्लैट डाउन अपॉन द ग्राउंड। इसलिए वो अपना चेहरा मिट्टी में धसाकर उल्टा लेट गया। द बियर कमिंग अप टू हिम पुट इट्स मजल क्लोज टू हिज ईयर्स एंड स्नीफ एंड स्नीफ। स्नीफ यानी सूंघना और मजल यानी उसकी थोतनी, नाक जो है उसको बोलते हैं। उसके पास आकर रीछ ने अपनी थोतनी उसके कान से लगाई और बड़ी देर तक उसे सूंघता रहा।